प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा नौवीं में हिंदी विषय में रचना भाग में संदेश लेखन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संदेश भेजने की प्रथा सदियों पुरानी है। पहले ज़माने में कबूतर के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, फिर चिट्ठियाँ आई, दूत भेजे जाने लगे। जैसे जैसे तकनीकी साधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे संदेश भेजने के माध्यम भी बदलते गए। आज SMS, WhatsApp, ईमेल और भी बहुत से माध्यम हैं जिनके जरिए आप संदेश भेजते हैं। इस साल से आपके पाठ्यक्रम में भी रचना विभाग के अंतर्गत संदेश लेखन विषय को सम्मिलित किया गया है। आइए आज हम इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे संदेश किसे कहते हैं। संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो हम उस व्यक्ति को देते हैं जब हम उससे सीधे बात नहीं कर सकते, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी को भी संदेश कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वह कथन या बात जो लिखित रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को भेजी गई हो उसे संदेश कहते हैं। वह कथन, कथन होता है कही हुई बात, जो लिखित रूप से यानी कि लिख कर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजी गई हो उसे हम हिंदी में संदेश कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी जान लेंगे, किसी के द्वारा कहलवाई गई या भिजवाई गई बात को संदेश कहा जाता है। संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन के अनेक प्रकार हैं। पहला है शुभकामना संदेश। जन्मदिवस, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेश। तो बच्चों, शुभकामना संदेश में कौन से संदेश आते हैं? जैसे कि हम किसी के जन्मदिवस पर शुभकामना भेजना चाहते हैं, कोई परीक्षा में जो है प्रथम दर्जे में पास हुआ है तो उसे हम शुभकामना भेजना चाहते हैं, या किसी के पद में उन्नति हुई है उसे भी हम शुभकामना भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इन संदेशों को हम शुभकामना संदेश कहते हैं। अगला है सामाजिक अवसरों पर भेजे जाने वाले संदेश। सामाजिक, जो समाज से जुड़े हुए होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं साक्षरता, मतलब के पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, साक्षरता अभियान का संदेश हो सकता है, इसमें स्वच्छता फैलाने का संदेश हो सकता है, और फिर दहेज प्रथा उन्मूलन, मतलब के दहेज प्रथा को कैसे हटा सकते हैं, या फिर बेटी बचाओ या फिर बेटी पढ़ाओ इत्यादि के संदेश इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है विविध पर्व एवं त्योहारों पर भेजे जाने वाले संदेश। भारत में बहुत प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, है ना? तो इन त्यौहारों पर यदि हम नहीं पहुंच सकते तो हम जो है संदेश लेकर भेज सकते हैं, जैसे कि होली है, रक्षाबंधन है, दीपावली है, गणतंत्र दिवस है, और भी बहुत सारे त्यौहार इसमें आते हैं। इसका महत्व क्या है? संदेश समाज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, समाज में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, और इसमें व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। संदेश का महत्व क्या है? संदेश के द्वारा जो है समाज में हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि समय समय पर प्रधानमंत्री जो है अपने संदेशों के द्वारा जो है समाज में, देश को, मतलब देश में क्या पैदा करते हैं, देश के देशवासियों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। यदि हम कहीं पहुंच नहीं सकते, किसी को संदेश देते हैं तो समाज, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ जाता है, तो संदेश जो है समाज को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, और इसके अंदर जो है व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर सकता है। तो ये जो है इसका महत्व है।
संदेश लेखन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। विद्यार्थियों, जैसे आप पत्र लेखन लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन करते हैं, उस समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार से संदेश लेखन लिखते समय भी आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके लिए कौन कौन सी बातें हैं ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। सबसे ऊपर मध्य में संदेश शब्द लिखना चाहिए। सबसे ऊपर मध्य में क्या लिखना चाहिए, हमें संदेश शब्द लिखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद फिर दिनांक बाई ओर लिखने चाहिए। समय को दिनांक के ठीक सामने दाईं तरफ लिखना चाहिए। हमें दिनांक यानी कि तिथि हमें कहाँ लिखना चाहिए, बाईं तरफ लिखना चाहिए, और समय को ठीक उसके सामने दाईं तरफ लिखना चाहिए। लेखन से पूर्व सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर बनाएं। लेखन सूचना लेखन जब हम लिखने लगते हैं उससे ठीक पहले हमें सीमा रेखा मतलब के एक बॉर्डर उसके उसका एक बॉर्डर बना लेना चाहिए। दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन लिखना चाहिए, जैसे प्रिय, माननीय, मान्यवर आदि। अब दिनांक के ठीक नीचे जहाँ पर हमने दिनांक लिखी है उसके ठीक नीचे विषय के अनुरूप जो विषय हमसे पूछा गया है उसके अनुसार हमें संबोधन जो है लिखना चाहिए। जैसे कि ये जो हमारे उम्र के हैं उन्हें हम प्रिय लिख सकते हैं, ठीक है, प्रिय मित्र, या फिर जो हमसे बड़े हैं जैसे माता पिता को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम आदरणीय लिख सकते हैं। यदि कहीं कार्यालय में लिख रहे हैं, विद्यालय में लिख रहे हैं तो माननीय लिख सकते हैं, मान्यवर लिख सकते हैं इत्यादि। मुख्य विषय का वर्णन करना चाहिए। जब हमने संबोधन लिख लिया उसके बाद हमें मुख्य विषय पर आना चाहिए, जो बात हमसे पूछी गई है उसे हमें बताना चाहिए। अंत में बाई और संदेश भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। जब हमारा विषय लिखकर समाप्त हो जाता है तो हमें बाई तरफ संदेश जो भेज रहा है उसका नाम क ख ग लिखना चाहिए। संदेश को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। संदेश के लिए एक सीमा निर्धारित की गई है, इसे हमें 30 से 40 शब्दों में ही लिखना होता है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए ये नहीं कि आप जो है वहाँ शब्द गिनने लगेंगे। हम मान कर चलते हैं कि एक पंक्ति में एक लाइन में जो है 7-8 शब्द आ जाते हैं, तो उसके अनुसार जो है हम जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो संदेश को हमें निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। जो वाक्य हम लिख रहे हैं एक तो वे छोटे होने चाहिए, यानी कि आप बड़े बड़े वाक्य लिखें, क्योंकि जितने बड़े वाक्य आप लिखेंगे उतनी गलतियाँ होने की जो है उसमें संभावना रहती है। तो वाक्य एक तो छोटे होने चाहिए और दूसरा अर्थपूर्ण, यानी कि उनका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अगला है भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए। आपकी भाषा सरल मतलब कि आसान और ऐसी होनी चाहिए जो कि सबको समझ में आ जाए। संदेश इसके बाद हम पढ़ेंगे संदेश लेखन का प्रारूप। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें जो है ऊपर संदेश लिखा हुआ है, ठीक मध्य में हमने क्या लिखा है, संदेश लिखा है। इसके बाद दिनांक, जिस दिन हम संदेश लिखते हैं उस दिन के हम दिनांक लिखेंगे। इसके ठीक सामने हमने क्या लिखा है, समय। इसके ठीक सामने हम लिखेंगे समय। जब हमने समय भी लिख लिया तो दिनांक के ठीक नीचे हम संबोधन लिखेंगे। संबोधन लिखने के बाद हम विषय पर आ जाएंगे, जो विषय हमसे जिस पर हमें जिस विषय पर संदेश लेखन लिखना है उसे हम लिखेंगे। ये 3 से 4 पंक्तियों में भी हो सकता है। और जब हमारा संदेश लिखकर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम भेजने वाले का नाम यानी कि क ख ग लिखेंगे। ये था इसका संदेश लेखन का प्रारूप। तो आप ध्यान से इसे देखेंगे समझेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कुछ उदाहरण जो हैं लेंगे। पहला है अपने मित्र को फुटबॉल में मिली उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। कैसे लिखेंगे देखते हैं।
सबसे पहले मध्य में हमने संदेश लिखा, उसके बाद तारीख लिखी 28 जुलाई 2020। ठीक सामने क्या लिखा, समय 4:23। प्रिय सखी, आज के समाचार पत्र नव भारत टाइम्स में तुम्हारा फोटो देखा, तुम्हारी उपलब्धि के बारे में पता चला। फुटबॉल में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आगे चलकर इसी प्रकार अपने स्कूल का, माता पिता का और देश का नाम रोशन करना। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम संदेश लिखते हैं, ठीक है। और बाद में हमें, सबसे बाद में हमें क्या लिखना है, क ख ग, भेजने वाले का नाम क्या लिखा हमने यहाँ पर, क ख ग लिखा है। तो इस प्रकार से आपको भी संदेश लेखन लिखना है। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे। विद्यालय में 1 घंटा देरी से पहुँचने के संदर्भ में प्रधानाचार्य को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ठीक ऊपर मध्य में हमें संदेश लिखना है, उसके बाद तारीख लिखेंगे 28 जुलाई 2020, समय 4:23। क्योंकि हम जो ये संदेश लिख रहे हैं विद्यालय में लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें उन्हें जो है संबोधन, उन्हें क्या देना पड़ेगा हमें, माननीय महोदय। क्या लिखेंगे, माननीय महोदय, मेरी माता जी की तबीयत अचानक ही ख़राब होने की वजह से मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है। कारण क्या बताया गया है कि मेरी माता जी की तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, जिसके कारण मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है, वहाँ पर मुझे समय लगेगा, इसलिए मैं आज विद्यालय में देरी से पहुँच पाऊँगा। तो नीचे हमने अंत में क्या लिखा, भेजने वाले का नाम कैसे लिखा, क ख ग के रूप में लिखा। एक और संदेश हम देखेंगे। स्वतंत्रता दिवस हेतु शुभकामनाएं देते हुए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखे। अभी सबको पता है थोड़े ही दिनों में स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो स्वतंत्रता दिवस हेतु, यानी हेतु का अर्थ क्या होता है, के लिए शुभकामनाएँ देते हुए 30 से 40 शब्दों में हमें संदेश लिखना है। सबसे पहले मध्य में लिखेंगे संदेश, उसके बाद तारीख 28 जुलाई 2020, इसके ठीक सामने समय लिखेंगे 7:23। प्यारे देशवासियों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता है, जो युवा पीढ़ी है, युवा वर्ग है, वो आने वाला कल, इसे हम कहते हैं भविष्य, आने वाली पीढ़ी भविष्य के निर्माता है, युवा वर्ग भविष्य के निर्माता हैं। इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा, क्या क्या संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं, ठीक है। और अंत में हमने क्या लिखा, भेजने वाले का नाम क ख ग। तो इस प्रकार से हमने 3 उदाहरण देखे। अब 3 उदाहरण आपने देखे, आपने पहले सुना उनको और समझ आपने अच्छे से समझ भी लिया। अभी आपको जो है अभ्यास कार्य भी करना है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहला है इसमें, आप अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं और आपके छोटे भाई का जन्मदिन है, इस शुभ अवसर पर 30 से 40 शब्दों में एक संदेश तैयार कीजिए। मतलब कि आप जो है कहाँ रहते हैं, आप घर से दूर रहकर, मतलब कि हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, और आपके छोटे भाई का जन्मदिन आप नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना है, इस शुभ अवसर पर आपको 30 से 40 शब्दों में एक संदेश तैयार करना है, ठीक है। अगला है, दीपावली के पर्व पर अपने मित्र को
30 से 40 शब्दों में शुभ संदेश लिखिए। दीपावली के पर्व पर, पर्व क्या होता है? त्यौहार। दीपावली के त्यौहार पर अपने मित्र को, अपने दोस्त को 30 से 40 शब्दों में शुभ संदेश लिखना है। अगला देखेंगे, आपकी माताजी का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण विद्यालय देर से आने पर प्रधानाध्यापक को 30 से 40 शब्दों में संदेश आपको लिखना है। ठीक है, आपकी माताजी की तबीयत खराब हो गई, मैंने आपको समझाया भी है। ठीक है, फिर से आपको ऐसे लिखना है कि आपकी माताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, बिगड़ गई है, इसके कारण आप विद्यालय देर से पहुंचेंगे, तो आपको प्रधानाध्यापक को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि संदेश लेखन जो कि आज मैंने आपको समझाया है, आपको भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।